हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और न्यू मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ और ये मेकअप ट्यूटोरियल है जब आप जीन्स और इस टाइप का कुछ भी वेयर करते हैं तो इस पर आप सिंपल एंड न्यूड मेकअप कैसे करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करने के लिए फर्साली ऑयल अप्लाई कर दूँगी, जिससे मेरा फेस बहुत फ्लॉलेस दिखे और मेरा मेकअप बहुत नेचुरल लगे। अब मैं मेरे लिप्स पे प्राइमर लगा दूंगी और प्राइमर में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। मेरे फेस को प्राइम करने के लिए प्राइमर लगा रही हूँ, वो भी शुगर का। मैं यहाँ पर फाउंडेशन की जगह पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की बीबी क्रीम। और इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूंगी। मैं फाउंडेशन लगाते लगाते बार बार मेरी वीडियोस में बोलती हूँ कि ईयर्स को स्किप ना करें, नहीं तो पूरे फेस का कलर अलग और ईयर का कलर अलग लगेगा। और अब मैं मेरे फेस के हाई पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट करने के लिए कंसीलर का यूज़ करूँगी और कंसीलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। मैंने मेरे कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और अब इस पूरे कंसीलर और फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट का यूज़ करूँगी और कॉम्पैक्ट में यहाँ पर शुगर का यूज़ कर रही हूँ। और ब्लश में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बेनिफिट का टिंट ब्लश। ये लिक्विड ब्लश है और इसकी पिगमेंट्स काफ़ी अच्छी हैं। और अब मैं मेरे फेस की कॉन्टोरिंग कर दूंगी और कॉन्टोर के लिए मैं यहाँ पर शुगर की फेस पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर आपको हाइलाइटर, ब्लश और कॉन्टोर तीनों अवेलेबल हैं, इसलिए फुल पैकेज है ये। कॉन्टोर मुझे बिल्कुल लाइट करना है क्योंकि मैं एकदम नेचुरल मेकअप टाइप का लुक क्रिएट कर रही हूँ। थोड़ा सा जॉ लाइन को भी कवर कर देती हूँ। और अब मैं मेरे फेस को हाईलाइट कर दूंगी। हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलेगल का एल्यूमिनस ग्लो, जो कि मुझे एकदम नेचुरल ग्लो देने में काफ़ी हेल्प करेगा। और पैलेट में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ आई शेडो के लिए एनेस्थेसिया की, और इसके अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूड शेड हैं जो मेरे एकदम फेवरेट हैं क्योंकि मुझे न्यूड आई शेडो बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ एज अ ट्रांजिशन। और अब इसमें थोड़ा सा डार्क ऑल स्टार करके एक शेड है, वो यूज़ कर रही हूँ। मेरी क्रीज को मैं थोड़ा सा डिप कर दूँगी, बाकी मुझे और कुछ ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है इस लुक में क्योंकि जितना सिंपल होगा उतना इस लुक के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दैट्स इट, बस मैं इतना ही आई शेडो करने वाली हूँ। और मैं ब्राउन कलर की काजल यूज़ करूँगी, वो भी शुगर की। ये मैं मेरी दोनों वाटर लाइन पर लगा रही हूँ, अपर एंड लोअर दोनों। और अब मैं स्मज आई लाइनर लगा रही हूँ और आई लाइनर लगाने के लिए मैं यहाँ पर मेरी लीड्स पर काजल लगाऊँगी शुगर की। मैंने एक बार रफली काजल लगा ली है और इसको अब मैं ब्रश से अच्छे से स्मज करूँगी। और ब्रश मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ एकदम शार्प पॉइंटेड, और यही मैं सेम चीज़ मेरी लोअर वाटर लाइन के नीचे भी करूँगी। थोड़ी सी काजल लगा के उसी को अच्छे से स्मज करूँगी बट वाटर लाइन के नीचे। और इसके साथ मैं ये डार्क ब्राउन शेड स्मज करने में यूज़ करूँगी। आई मेकअप कंप्लीट डन हो चुका है। अब मैं मस्करा लगाऊंगी और मस्करा लगाने से पहले मैं मेरी आईलैशेस को कर्ल कर दूंगी।
और मस्करा मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का। मस्करा मैं अच्छा हेवी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे फॉल्स लैशेज नहीं लगानी है इसलिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा मस्करा लग चुका है और अब मैं मेरे आईब्रोज़ को फिल कर दूँगी। और आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का आईब्रो डिफाइनर। एक बार आईब्रो को अच्छे से कॉम कर देती हूँ जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है। और अब मैं लिपस्टिक लगा दूंगी। प्राइमर लगा दिया था, उससे मेरे लिप्स बहुत ही अच्छे हाइड्रेट एंड सॉफ्ट हो चुके हैं। और मैं यहाँ पर लिपस्टिक लगा रही हूँ मॉर्फ की। मेकअप, अब इस पूरे मेकअप को सेट करने के लिए हम सेटिंग स्प्रे का यूज़ करेंगे और सेटिंग स्प्रे मैं यहाँ पर शुगर का यूज़ कर रही हूँ। तो ये है हमारा फाइनल मेकअप। अब मैं दिखाऊंगी आपको मेरा फाइनल लुक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, मैं इस लुक के फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगी, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे फ़ोटोज़ को लाइक भी कर सकते हैं। और किसी कंटेंट पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर DM करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।